माई चैनल ओ एस आर ब्लॉग्स. माई नेम इज़ सुषमा एंड मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद अदर्स, जो कि लोगों को हेल्प करें. और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, अगर जरा भी आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए. तो आज जो हम रिव्यू करने वाले हैं, हम रिव्यू करने वाले हैं लॉरियल का सीरम. सो हमारे पास ये सीरम है लॉरियल पेरिस का. यस हाँ जी, ये सीरम है. तो ये लॉरियल पेरिस का स्मूथ इंटेंस इंस्टेंट स्मूदनिंग सीरम है. ये क्लेम करता है कि इंस्टेंटली स्मूदेस, डीपली नरिशेस, सुपर स्मूथ, मैनेजेबल हेयर फॉर 48 आवर्स. और इसमें आर्गन ऑयल भी है जो कि हमारे हेयर्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है. इसके अलावा ये रिटेल होता है 250 रुपीज़ का, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है. और इसमें जो आपको क्वांटिटी मिलती है वो 100 ml होती है, जो कि काफ़ी होती है. आई थिंक ये आपके, अगर आप सिंगल यूज़र हैं तो आप 2 से 3 महीने, इवन उससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी क्वांटिटी बहुत लेस रिक्वायर्ड होती है. तो ये हेयर सीरम क्या करता है, ये हमारे हेयर्स पे एक शील्ड बनाता है जो हमारे हेयर्स को यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है, डर्ट से पोल्यूशन से प्रोटेक्ट करता है. इसके अलावा ये आपके हेयर्स को स्मूथ और मैनेजेबल भी बनाता है. तो ये रीजंस हैं कि आपको हेयर सीरम यूज़ करना चाहिए. और इसका एप्लीकेशन बहुत ही ईजी होता है. इसमें आर्गन ऑयल है, लेकिन आप इसे स्कैल्प पे नहीं अप्लाई कर सकते. तो आपको करना क्या है, अपने हेयर वॉश के बाद आपने शैम्पू किया, कंडीशनर किया, और जब आप उसको अपने हेयर्स को टॉवल से रैप कर लेते हैं, रैप करने के बाद 5 मिनट छोड़ने के बाद जब आपके हेयर्स वेट रहते हैं, तो आपको क्या करना है, एकदम 2 ड्रॉप्स बहुत होती है हेयर सीरम की, आप अपने पाम पे लेंगे, उसको हल्का सा ऐसे रब करेंगे, उससे वो थोड़ा वार्म हो जाता है और काफ़ी इफेक्टिव हो जाता है. और इस तरह से करके अपने बालों के एंड्स पे अप्लाई करेंगे, इस तरह से. जब आप इस तरह से अप्लाई करेंगे, इससे आपके हेयर्स में ये इवनली स्प्रेड हो जाएगा. और यहाँ पे अप्लाई करने के बाद लास्ट में आप हल्का हल्का से यहाँ भी लगा सकते हैं. लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको स्कैल्प पे बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि स्कैल्प पे लगाने से आपके हेयर स्टिकी हो जाएंगे. तो ये सिर्फ आपके हेयर लेंथ में लगेंगे, और उसके बाद आप बालों को छोड़ देते हैं. देन आई थिंक 2 से 3 दिन तक तो आपको और कुछ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है. ये काफ़ी मैनेजेबल रखता है, बालों को स्मूथ रखता है. इसके अलावा टिंगल्स रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है. जैसे आपने देखा होगा कि शैम्पू करने के बाद अगर आप कॉम कर रहे हैं, जनरली बहुत ज़्यादा टिंगल्स की वजह से हेयर फॉल, वो नॉट्स बन जाती हैं, वो निकल जाते हैं, उससे आपके बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है. लेकिन जब आप इस हेयर सीरम को लगा के और हेयर्स को ड्राई होने दें, एंड देन उसके बाद आप जब कॉम करेंगे, तो हेयर फॉल भी बहुत कम होगा. इवन आप खुद नोटिस कर पाएंगे डिफरेंस विदाउट हेयर सीरम आप जब कॉम करते हैं, एंड विद हेयर सीरम जब आप कॉम करते हैं. तो ये रीज़न है हमें हेयर सीरम यूज़ करना चाहिए. ऑलराइट, सो ये जो लॉरियल का हेयर सीरम है, ये बहुत ही अफोर्डेबल है. इसकी शेल्फ लाइफ ऑलमोस्ट 3 ईयर्स होती है. आपने एक बार ले लिया तो, जैसे आपने मॉनसून में यूज़ करा, उसके बाद अगर आप समर्स में नहीं भी यूज़ करना चाहते, फिर आप विंटर्स में यूज़ कर सकते हैं. 2 से 3 साल आप बड़े आराम से रख सकते हैं. आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि जब आप खरीदें तो जो मैन्युफैक्चर डेट हो वो न्यू हो, ताकि आप उसे अगले 3 साल के लिए भी स्टोर कर सकें और वो एक्सपायर ना हो और आप गुड टू गो हैं. और बहुत सारे हेयर सीरम अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट विच आई नो एट लीस्ट. और इवन अगर आप हीटिंग टूल्स यूज़ करते हैं अपने बालों पे, तो इस सीरम को लगा के अगर आप उसे यूज़ करेंगे तो भी डैमेज बहुत कम होगा. इवन अगर आप ड्रायर यूज़ कर रहे हैं या स्ट्रेटनर यूज़ कर रहे हैं, इससे आपके बाल बहुत ही शाइनी और स्मूथ लगते हैं. तो ये था डिटेल रिव्यू ऑफ लॉरियल हेयर सीरम. अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक इट. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय, टेक केयर.